ठीक है भाई, ये बाइकर जा रहा है ना स्कूटी वाला, ये बहुत जल्दी में जा रहा है, तो आप लोग बहुत जल्दी में बनना चाहिए ना। ये देखो कितना गलत लगा है, बता रहा था ना मुझे थंब रूल फॉलो नहीं कर रहा। सो गाइस ये देखिए कैसा है टेनीताल काठगोदाम रोड, क्या आप यहाँ पर मज़े से जा सकते हैं। देखिए कैसे फर्राट से जा रही है गाड़ियाँ, अब हम आपको दिखाते हैं नज़ारे। सो यहाँ के नज़ारे देखिए और मस्ती करिए हमारे साथ। देखिए आ चुका है नलोना गाँव। अभी आपको बता दूं जो लोग अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं कि अभी हम लोग जोलीकोट से आ रहे हैं, हम लोग एक होम स्टे में रुके थे, वहां से अभी हम वापस जा रहे हैं काठगोदाम हल्द्वानी को। अब आपको जो रोड दिखाई दे रही है वो जोलीकोट से काठगोदाम की तरफ को है। अभी हम लोग जोलीकोट से 1 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स दो गाँव। सो गाँव जोलीकोट के बाद जो नेक्स्ट बिग एक छोटा सा डेस्टिनेशन आता है, या बोले तो एक छोटा सा गांव सा आता है, वो है जोलीकोट के बाद दो गांव। तो अभी हम दो गांव की तरफ को जा रहे हैं। जोलीकोट से दो गांव के बीच का डिस्टेंस करीब 5 से 7 किलोमीटर है। और रास्ता देखिए, आप देख ही रहे कैसा बना है। तो रास्ता बहुत अच्छा है, बट बरसातों में बहुत ध्यान रख के, पहाड़ियाँ गिरती है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है सीज़न के टाइम में, इसलिए आप संभल के चलाएँ और अपनी ट्रिप को इंजॉय करें। बाकी आप देख सकते हैं इधर उधर कैसे नज़ारे दिख रहे हैं, कितना मनमोहक दृश्य बना हुआ है। लेकिन आप लोग की नज़र हमेशा रोड पर बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे मोटे बढ़िया मोड़ होते हैं ना, इनमें मज़ा आता है, बहुत डेंजरस भी होते हैं। देखिए कैसे आ रही है पिकअप आएगा आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या ना स्पीड लिमिट भी सेट है, जो बड़ी गाड़ियाँ उनका 30 और जो छोटी गाड़ी है ना उनका 40। तो 40 से ज़्यादा ओवर स्पीड मत करना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं और मेरा चालान हो गया था। ये देखिए सामने लिखा है 30-40 दिख रहा है ना, हाँ तो यही मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा इस कितना बढ़िया नज़ारा बना हुआ है। यहाँ पर आप छोटे छोटे जैसे बाइक खड़ी है ना, ऐसे रोड किनारे खड़े होकर आप अपनी फ़ोटोशूट वगैरह वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ़ोटोशूट वीडियो बनाते बनाते रोड पर ना आ जाओ, और बिल्कुल रोड का ध्यान रखना, वाइट लाइन तो आपने क्रॉस ही नहीं करनी है। और जहाँ पर भी मोड़ होगा ना, मोड़ पर ऐसे हॉर्न देना, ये देखिए जैसे टीट हुई ना, तो उससे क्या होता है ना आने जाने वाले लोग को पता लग जाता है। और जैसे ये सामने दिख रहा है ना गधेरा सा, यहाँ पर वाटरफॉल भी फूट के आते हैं बहुत सारे, तो उन वाटरफॉल में अगर आप बिल्कुल धूप निकल रही हो तभी जाना, ऐसे में चले जाना, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा ना कभी एकदम से ऊपर तेज़ बारिश होगी और कांड हो जाएगा। देखिए ये देखिए भाई, ये बाइकर जा रहा है ना स्कूटी वाला, ये बहुत जल्दी में जा रहा है, तो आप लोग बहुत जल्दी में बनना चाहिए ना, आराम आराम से जाना। हाँ जी जाओ जाओ, तो कोई पास मांगे ना उसे प्यार से पास दे देना, जाने देना ऐसे, क्योंकि कई जगह रास्ता बहुत पतला हो जाता है। ये ठीक है, ये सब गाड़ियाँ जो आ रही है ना ऊपर से हमारे साथ नीचे को जा रही हैं, ये सब नैनीताल से आ रही हैं। आज संडे का दिन है, आज सब लोग अपना ट्रिप ख़त्म करके वापस जा रहे होंगे, और कुछ लोग आ भी रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे कुछ नसीब होंगे, जिनको वीकडे में भी छुट्टी मिल रही होगी ना, वो अब आ रहे होंगे। तो वीकडे में आप आ रहे हैं तो आपको सस्ता रेट भी मिलेगा, ट्रैफिक भी कम मिलेगा, टैरिफ भी कम होगा, और आपको ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे होटल्स में नैनीताल में। लेकिन छुट्टी मिलेगी वो तब ना, हमें तो नहीं मिलती भाई, हमें तो वीकेंड में बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हम लोग आ गए बहुत टाइम बाद। अब देखो ये भुट्टे वाले हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे भुट्टे वाले होंगे, तो आप भुट्टे का स्वाद दे सकते हैं। और ना ये देखो स्टॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पर आप चाय पकौड़ी खा सकते हो। देखो कितनी सारी गाड़ी आ गई है, तो ना ये भरा रहता है, ये बहुत ज़्यादा हाईवे काइंड ऑफ है। आप देखो गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आ चुका है एक गाड़ियों का रेला। ये जो लोकल बस जा रही है ना, ये मुक्तेश्वर रामगढ़ जाती है हल्द्वानी से, तो ये हर एक एक घंटे में चलती है। तो इस पर अगर आपको मुक्तेश्वर जाना है तो हल्द्वानी से बुक करा सकते हैं, वरना टैक्सी भी ले सकते हैं। बाकी ये मिलिट्री की गाड़ी जा रही है, पुलिस की, ये तो पुलिस की है, वरना यहाँ से ना मिलिट्री की गाड़ियाँ भी जाती है आर्मी की, तो नैनीताल वगैरह है, नैनीताल तो कम जाती है बट रानीखेत वगैरह जाती है, यहाँ पर कैंट एरिया है ना, वहाँ पर उनका हेड ऑफिस है अल्मोड़ा वगैरह, ठीक है। पिथौरागढ़ बॉर्डर की साइड जाती है, मतलब कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया मोड़ हैं घुमावदार, ये जैसे कि रेस्टोरेंट है ना, याशिका रेस्टोरेंट है, मीट चावल मिल रहा है यहाँ पे, तो नॉन वेज के शौकीन है तो वो भी खा सकते हैं, ब्रदर्स रेस्टोरेंट है। और ये एक और लोकल बस गई जो मैं आपको बता रहा था ना, मुक्तेश्वर रामगढ़ वाली, ये देखिए गाड़ी वाला गलत ले जा रहा है ना, ऐसे ओवरटेक मत करना, सामने से कोई आएगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी और आपको भी जाएगी। आप देखो मौसम बदल गया है, यहाँ पर क्या होता है ना पल पल में मौसम बदलता है, तो कभी बारिश धूप गर्मी। अब हम आम पड़ाव पहुँच गए हैं गाइस, तो आम पड़ाव पर एक छोटा सा 2-3 रेस्टोरेंट होंगे, आपको आपको ऊपर जाके एक दो घर होंगे, बट जो बड़ा है वो दो गाँव ही है, यहाँ पर ज़्यादा रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, और खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन है वहाँ पर। एक जंगल फिश रेस्टोरेंट भी है,
अगर आप कुछ मल्टी कुशन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। लोकल बस आ गई है, अल्मोड़ा जा रही है हल्द्वानी से, तो आप इससे भी जा सकते हैं। ये नैनीताल वाया जोलीकोट होते हुए जाएगी, एक रास्ता वाया भीमताल भी जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ जूसेस की दुकान है। सो गाइस इंजॉय, देखिए ये देखिए गाड़ी आ रही है ना, ये ले जा रही है नैनीताल टूरिस्ट को। तो आपको आराम से इजीली यहाँ से टैक्सी एक्सी मिल जाएगी हल्द्वानी से। अगर काठगोदाम आप आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैरिफ क्या होता है, फिक्स ही होता है, बट थोड़ा बहुत कभी कभी बारगेनिंग हो जाती है सीज़न के टाइम में ना, बढ़ा देते हैं रेट। बाकी तो फिर थोड़ी देर आप खड़े रहोगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। अब देखो ये बुकिंग की गाड़ी है ना, ये उत्तराखंड की गाड़ी है और ये बुकिंग लेके जा रही है। यहाँ पे देखो कुछ बाइकर्स मज़े कर रहे हैं, भुट्टा उट्टा खा रहे हैं, देखो बाइक पे है ना, तो ये बाइकर्स मस्ती कर रहे हैं इस रोड पे। और कुछ सुहाने दृश्य हैं आपके सामने जहाँ पे आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं। दोनों साइड आपको बहुत बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे, बोर नहीं हो गया। तो वीडियो में अगर बोर नहीं हो रहा, अच्छी लगती तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ भाई कैसा लग रहा है। हाँ भाई बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखो कैसा मौसम हो गया, सुहाना हो गया ना। तो ये हम आपको नैनीताल हल्द्वानी रोड दिखा रहे हैं, काठगोदाम रोड दिखा रहे हैं। अगर आप स्किप करके वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर से बता रहे हैं, भुट्टे वाले, पकौड़ी वाले, रायता वाले सब बैठे हैं और खुशबू आती है बहुत ही अच्छी, भुट्टे की तो बहुत ज़्यादा आती है। भुट्टा जब बनता है ना लकड़ी में बहुत टेस्ट हो जाता है। और अब आ चुका है यहाँ का फेमस भर्जी भुट्टा, भर्जी भुट्टा जो है ना बहुत फेमस है। ये देखिए तो भर्जी भुट्टा यहाँ पर ना, वो देखिए लगा है ना भर्जी का भुट्टा। ये देखिए गाड़ी रुकी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मांग होती है इनकी, और लोग कहाँ कहाँ से वीडियो बनाने आते हैं। खाने तो आती हैं बट वीडियो वाले शौकीन जो होते हैं ना, जो वीडियो के शौकीन होते हैं ऐसे, तो वो आपको दिखाएंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो भर्जी भुट्टा दिखाएंगे, कैफे दिखाएंगे, अपनी बाइक दिखाएंगे, अपना ट्रिप दिखाएंगे। तो ऐसे ही ऐसे चलता रहती है दुनिया, ऐसी ठहरा गया। अब देखो ये सब नैनीताल की तरफ को जा रहे हैं, इन भाई ने तो हेलमेट भी नहीं पहना। हेलमेट ज़रूर पहनना, बिना हेलमेट के मत जाना। फिर मैं सोचना कि पिलियन राइडर का हेलमेट यहाँ पे अलाउड है, नहीं अलाउड है, हर समय पहनो, बिना सेफ्टी गियर के तो चलो ही मत। ये देखो एक और जा रही ना, सोमेश्वर अल्मोड़ा जा रही है, देख रहे हो। अरे भाई साहब की गाड़ी रुक गई लड़नी, तो ऐसी चढ़ाई पर कभी गाड़ी मत रुकना, क्योंकि रुक गए पता नहीं क्या हो गया, वो लड़नी है। तो क्या होता है ना, चढ़ाई वाली गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो पहले चढ़ने वाली गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाती है, उतरने वाली क्योंकि वो क्या होती है, ब्रेक लगा के ब्रेक छोड़ा तो चल पड़ी, लेकिन जो चढ़ने वाली होती है ना उसको फिर बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, उसे मिल नहीं पाता। इसलिए व्हेन यू आर ऑन माउंटेन्स ड्राइविंग अपहिल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द व्हीकल विच इज़ असेंडिंग, जो ऊपर चढ़ रहा है दैट इज़ गोइंग अपहिल। ओके सो दैट इज़ द थंब रूल। एंड व्हेन यू आर इन द कैसे मोड़ पे होते हैं ना आप, जब काइंड ऑफ कर्व्स, ये देखिए भाई बाइक आ रहा है, भाई टेंशन तो दिखाया गई तो ना हॉर्न बजा दिया करो अगर आपका सामने से नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये आ गई ना गाड़ी, आ रही रोड कम है तो गाड़ी वाले को रोकना पड़ेगा, बाइक निकल जाएगी। ठीक है तो देखो ये मज़े आ रहे हैं ना, जल्दी से लाइक बनाओ, एक लाइक बना दो, सब्सक्राइब भी बना दो जल्दी से। वेरी गुड, ये अच्छा ये बनाता है सब्सक्राइब, लाइक भी करता है और कमेंट भी करता है। अब देखो गाइस, अब जब हम चले थे ना आपने देखा होगा कि धूप थी ना, अब धूप कम हो गई है, तो ये ना धूप चौका फिर चलता रहता है क्योंकि ये है नैनीताल। आप आ रहे हो हिल स्टेशन, ये तो मज़ा लेने आप आ रहे हो हा? आपको दिल्ली मुंबई हैदराबाद चेन्नई में तो ये मज़ा नहीं आ रहा ना, तभी तो आप इधर को आ रहे हो। तब आ रहे हो तो हमारी सुनो भी, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हमारी बिना सुनो तुम जा भी नहीं सकते यहाँ से। क्यों भाई सही बोल रहे, नहीं बोल रहे। अब देखो भाई, हाँ पीछे गाड़ी आ रही ना उसको पास चाहिए, तो वो हॉर्न बजा रहा है। तो जब आप देखोगे उसके लिए प्रॉपर जगह बन गई तब आप उसे पास दो, अगर नहीं बन रही तो हाथ देकर रोकोगे उसे, क्योंकि ना वरना उसका कांड हो जाएगा। ठीक है 40-30 की लिमिट बताई थी सामने, फिर देख लो याद रखना। हाँ और अभी आगे रोड आई है ना, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या है मतलब, वो रोड किनारे देखो वहाँ पर लोग कहाँ कहाँ चढ़े हैं वो देखो, हल्की करके दिखाता हूँ ना। ये देखो सब गाड़ी जब पार्क हैं, यहाँ पर भी हमने कल एक वीडियो बनाया था, आप देखना वो देखो लोग कहाँ चढ़ गए हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस वाटरफॉल में मज़े कर सकते हैं, देखो ये वाटरफॉल ये है। ठीक है लेकिन पहला बताया था ना जो, हाँ बारिश हो मौसम ख़राब हो मत जाना, और एकदम से आता है रैला सब कुछ भाग ले जाता है। तो गाइस आ चुका है जंगल फीस्टा रेस्टोरेंट,
आ चुका है दो गाँव में जंगल फिस्टा रेस्टोरेंट। ये सामने आपको दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसके एंट्री ऊपर की साइड की एंट्री है, जंगल फिस्टा रेस्टोरेंट फॉर यू इन द लेफ्ट हैंड साइड। और ये दो गाँव के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर आप चाय पकौड़ी खा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, यहाँ के लोकल खीरे का रायता जरूर खाना, पकौड़ी खाना, रायता खाना, चटनी खाना और नींबू पानी पीना यहाँ, और मस्ती करना यहाँ। आप थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी खाना खाने को, पहाड़ी खाना मतलब बोले तो छोटा सा स्नैक टाइप का मिलेगा, पूरा प्रॉपर खाना तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इतना चलते नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। देखो भुट्टे वाले बैठे हैं, ये बूबू बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ठीक है। तो ये दो तीन रेस्टोरेंट है, काफ़ी बंद रही हो गए क्योंकि कोरोना टाइम से चले नहीं, लोगों की आमदनी का जरिया ख़त्म हुआ, तो उन्हें इधर उधर शिफ्ट होना पड़ा ना, ठीक है। तो ये अपना दो गांव के बाज़ार होती है ना, ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादा ना पहाड़ों में अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बाज़ार आई है, बहुत कम जगह आती है, छोटे छोटे कस्बे से होते हैं। अब जो बड़ा आएगा वो काठगोदाम में ही आएगा, और उसके बाद तो हल्द्वानी आपको पता ही हुआ, एक बड़ा सिटी हो गया। तो एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट नया खुला हुआ है बरेली वालों का, तो इनने चेकआउट नहीं करा, आप लोग चेकआउट करना, बताना कैसा है भाई। देखो बंदर भी आपको मिलेगा रास्ते में, तो उनको भी आप थोड़ी सी जगह देते हो स्पेस, क्योंकि उनका ही घर है ना। और अगर जंगल फिस्टा आपका ऊपर छूट गया था, आपका वो भाई का चाइनीज़ अब मैं क्या करूँ, जंगल फिस्टा का नीचे से भी रास्ता, आप यहाँ पर वो कहीं ऊपर चढ़ें चाइनीज़ खाएँ और बाकी अलग अलग टाइप की चीज़ें आप खा के अपने सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा इस कैसे रोड टूटी है, कई जगह ना ऐसी रोडें टूटी हुई हैं, यहाँ पर जब बरसात हुई थी ना एक साल डेढ़ साल पहले, तो ये सब टूट गया था तब से। ये देखो ये नीचे गौला नदी दिख रही है, तो ये डोलमार करके जगह आ गई हम। इसके बाद आएगी भुजिया घाट, सफ़र का मज़ा लेते हुए जाओ, डेस्टिनेशन का क्या, डेस्टिनेशन तो आ जाएगी लेकिन सेफली जाओ। और ये देखो बुलडोजर खड़ा है ना, क्योंकि क्या था ना, ये देखो सब रोड खराब है, फ़ोन पर कभी बात मत करना है, मड़ा उस कैफ़े आ गया ना, देख एक कैफ़े ही है, फ़ोन पर कभी बात मत करना गाड़ी चलाते समय, ठीक है। देखो डोलमार लिखा है ना, डोलमार जगह है, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट आया, रिवर व्यू रिजॉर्ट आ गया भाई, तो आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको तंदूरी चाय लिखी हुई तो दिख रही बाहर, अवेलेबल है नहीं है मुझे नहीं पता, जाके पता करो और कमेंट करके बताओ मुझे मिली थी नहीं मिली थी। जा भाई बड़ी गाड़ी जाए तो निकलने दो, है ना, ये केमू की बस है, जो मैंने आपको बताया था ना लोकल बस होती है, मुक्तेश्वर रामगढ़ अल्मोड़ा जाती है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या आ गया, ऊपर रेस्टोरेंट आ गया, तो होटल विकास आ गया, बाकी भुट्टे वाले भैया आ गए हैं, ठीक है, और चाय पकौड़ की दुकान आ गई है, बाकी आप देखो पहाड़ी बुला कैफे आ गए हैं, तो पहाड़ी बुला में आपको चेकअप कर सकते हैं, बाकी ललित जोशी जी का रेस्टोरेंट आ गया। अरे भाई ब्रेक क्यों मार दिया, बंद हो गई भाई की गाड़ी, भाई ने दी स्पीड और गाड़ी रूम रेस्टो आ गया, ठीक है। अब हम पहुँचने वाले हैं झरना रेस्टोरेंट, सामने देखिए झरना रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से एक छोटा सा झरना बहता है, उसका नाम झरना रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं टूअर्स, क्या बताया था, भुजिया घाट, भुजिया घाट आने वाला है। ये घाट कैफे और आ गए हैं जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और काटिया करके था ये। अब ये आ गया फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, और ये आ गया मार्क्स कैफ़े, तो छोटी छोटी जो दुकानें उनको कैफ़े बना के लोगों ने डेवलप करा और अपनी जीविका अर्न कर रहे हैं उससे, मदद भी किया, ठीक है। और अब आता है भाई मतलब दो गाँव आ गया, सॉरी दो गाँव तो निकल गया, क्या बोल रहा हूँ, तो वो जगह आ गया स्पाइस एंड हट है। एक मिनट भाई एक मिनट, गाड़ी आ रही है कैसे, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बार हिल व्यू, तो एक बार हिल व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये देखो कितना गलत लगा, बता रहा था ना मुझे उसको थंब रूल फॉलो नहीं करा, जैसे ओवरटेक कर रहा था बिना देखे, जैसे ब्रेक मारनी पड़ी नहीं पड़ी। तो देखो आ गया भाई साहब भुजिया घाट आ गया, भुजिया घाट में थोड़ी सी रौनक रहती है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ना कुछ लगा रहता है, देखिए तीन गाड़ियाँ लगी, चार गाड़ियाँ लग गई भाई यहाँ पे, खाएंगे ना आलू पकौड़े, खाएंगे सब, चाय वाय पीएंगे, ड्राइवर का फ्री होता है,
होगा भी यार, तो सवारी ला रहे हैं ठीक है। और ना ये देखिए केमू की बस खड़ी है, और यहाँ पे ना और भी नीचे भी रेस्टोरेंट है, तो चाय पकौड़े वकड़े खोजते हैं कि यहाँ पर होटल पोलोमैक्स खुला है, उसे भी चेकअप कर लीजिए। इसके बगल में ना ये क्लासिक कैफ़े है, ये भी अच्छा है। बाकी कसार पहाड़ी स्टोर है, यहाँ पर आप पहाड़ी सामान ले सकते हैं। तारादा का कैफ़े है, यहाँ पर आप पकौड़ी चाय खा सकते हैं, बन मक्खन खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बाकी फिर कुछ यहाँ पे जो नीचे रोड जा रही है ना नीचे वाली, ये नीचे आपको रिवर साइड ले जाएगी बस, यहाँ से ख़त्म। यहाँ के बाद फिर ओके टाटा बाय बाय, अब आपको मिलेगा सीधे काठगोदाम। देखिए सीपी पुलिस लगी है यहाँ पे रास्ते में, तो बिल्कुल गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए वरना चालान बन जाएगा। देखिए है ना, ठीक है। अब हम लोग पहुँच गए रानीबाग। सो रानीबाग बस काठगोदाम का एक अगर हम नैनीताल से आ रहे थे एंट्री पॉइंट है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम। ये पुल पार कर रहे हैं, ये लास्ट पुल है यहाँ का, ये मेकशिफ्ट पुल है जो कि अभी परमानेंट बनेगा। और ये गाइस देखिए वेलकम टू काठगोदाम। यहाँ से लेफ्ट जो रोड जाती है वो बाईपास है, और अगर हम सीधे चले जाएंगे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स हल्द्वानी और मेन काठगोदाम जो सिटी है वहाँ की तरफ चले जाएंगे। छोटा बाजार जो है काठगोदाम का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन। सो गाइस आ चुका है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। यहाँ से काठगोदाम रेलवे स्टेशन की एंट्री लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का कभी कभी जाम मिल सकता है, ऑलमोस्ट मिल ही जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना थोड़ी सी रोड सक्रिय है। देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन लिखा है ना, तो यहाँ से अगर आपकी ट्रेन पकड़नी है आप ट्रेन पकड़ सकते हैं ठीक है। ये देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, यहाँ से लेफ्ट अंदर जाके थोड़ा सा है, बाकी यहाँ पर आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे आपको कहीं जाना है। ये देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। सो गाइस इसी के साथ हमारी ना ये ब्यूटीफुल रोड जर्नी फिनिश होती है। अगर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी और आपको मज़ा आया तो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। ओके सी यू, बाय।